माय नेम इज सैयद मोहम्मद साजिद, मैं क्लास 12 का छात्र हूँ। जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारे इन मित्रों के द्वारा एक स्मार्ट सिटी मॉडल तैयार किया गया है जो बहुत ही खूबसूरत है। आप जैसा कि देख रहे हैं, इसका एंट्रेंस गेट है स्मार्ट सिटी का। हम इस एंट्रेंस गेट से अंदर आते हैं तो यहाँ देख रहे हैं आप, ये जो रोड है इस बहुत जो कि बहुत खूबसूरत है, इस रोड पर ये जो लाइटें लगी हैं, हम एक लाइट में बहुत चलो, ये जो रोड लाइट है ये एक खंबे पर दोनों तरफ काम करेगा। जैसा कि और हम आगे बढ़ते हैं और इस तरफ हम क्रॉस करके ओवर ब्रिज से इस साइड आते हैं। आप देख रहे हैं कि ये ओवर ब्रिज से जो ये कार है कैसे आ रही है, और हम क्रॉस करके इस साइड आते हैं तो इस साइड हमारा ये स्ट्रीट लाइट है, और इस साइड अगर हम आते हैं तो हमारे लेफ्ट में देखिए ये स्विमिंग पूल है, जो यहाँ के रहने वाले आसपास के वासी आकर इसमें स्विमिंग पूल का आनंद ले सके। और हम और आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पे गार्डन है जो बहुत ही खूबसूरत है। देखिए कितने कितने ग्रीन ग्रास हैं और बहुत अच्छे अच्छे जो हमारे वातावरण को प्रदूषित होने से बचा सकते हैं। यही सब इसमें सीट अवेलेबिलिटी है, जो कैसे इस विश्राम करें, कैसे आकर हम यहाँ पर आराम करें। और ये पार्क का एंट्रेंस गेट है। हम और इस साइड आते हैं तो इस रोड पर, अगर हम इस साइड वाले रोड पर देखते हैं जो ब्रिज के नीचे से, ओवर ब्रिज के नीचे से जा रही है, देखते हैं तो यहाँ पर एक ट्रैफिक सिग्नल लगा है जो ग्रीन। आप जैसा कि जानते हैं कि ट्रैफिक सिग्नल बस तीन इंडिकेशन देता है, ग्रीन, येलो, रेड। तो इस इंडिकेशन के अनुसार हम आने वाले यात्री जैसा फॉलो करते हैं। आप जैसा कि देख सकते हैं कि अभी इंडिकेशन ऑन हो चुका है कि ये ग्रीन है, ये येलो है, ये रेड है। तो इस रूल को फॉलो करते हुए यहाँ की आने वाली आसपास की जो कारें हैं वो रूल को फॉलो करते हुए अपने नियम के अनुसार अपने साइड से चलती हैं। और हम अगर इस साइड को छोड़कर अगर हम उस साइड आते हैं, यहाँ देखिए फैक्ट्री है जो हमारे इस आसपास के वातावरण को ना प्रदूषित करे, इसके लिए हमने इसको थोड़ी दूरी पर रखा है कि ये आसपास के वातावरण ना प्रदूषित हो सके, इसलिए हमें इसको दूर ही रखना चाहिए आसपास। जैसा कि देख रहे हैं कि हमारे इस स्मार्ट सिटी में जो विद्युत सप्लाई करी हुई है वो एक यहाँ से हमारे एक सोलर पैनल लगा हुआ है, जिसे हम सोलर सेल भी कहते हैं। इस जो सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, सोलर सेल का जो मतलब काम होता है कि जैसे विद द हेल्प ऑफ सोलर सेल वी कैन एक्सपोर्ट सनलाइट एज ए इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो इस डिवाइस की मदद से हम लोग जो है सूर्य ऊर्जा को उसमें विद्युत ऊर्जा में बदल सकते हैं। और जो पूरा हमारा स्मार्ट शहर है, जो शहर है, इस शहर में बहुत अच्छे से विद्युत की सप्लाई कर सकते हैं, जो कि हमारी क्लीन एनर्जी और एक ग्रीन एनर्जी होगी। आते हैं तो देखते हैं ये मोनोरेल स्टेशन है जो बहुत ही खूबसूरत, बहुत सटीक ढंग से तैयार किया गया है। और ये ऊपर जो देख रहे हैं ये मोनोरेल की पटरियां हैं। जैसे कि इसमें जो स्टेशन है इसमें सब रूल्स और रेगुलर सब इसमें मोनोरेल के सब इंडिकेट होते हैं कि कौन सी रेल कब आती है, कब कौन से टाइम पर, इसमें सब इंडिकेट रहता है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि हमारी बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण, हमारे इस आबादी के कारण हमें किस तरह हम अपने जगह को सुरक्षित रख सके, किस तरह हम अपने स्पेस को और कम से कम उसमें यूज कर सके। तो आप देख रहे हैं जैसे ये ब्रिज है इस रेल की, तो हमने इस टू पिलर पे हमने इसको खड़ा किया है जिससे कि हमें कम जगह यूज करने को मिला, जिससे कि और भी कुछ आने वाली कुछ तकनीक हम इस पर लगा सके। चलिए हम अभी ये सब के बारे में जानकारी बहुत कर चुके, अब हमें बस ये जानना है कि हमें और क्या क्या इसके लिए क्या क्या सामग्री लगी है, क्या क्या चीज़ें हमें इसको बनाने के लिए चाहिए। तो आप सबसे पहले इसके लिए एक प्लाई या और जैसे आपकी ज़रूरत है, जैसे आपके उसके ऊपर एक नीचे देख सकते हैं आप एक प्लाई है जिसके ऊपर थर्माकोल है, थर्माकोल जो हमें 4-5 थर्माकोल की ज़रूरत पड़ी है। और हम और देखते हैं कि ये आइसक्रीम स्टिक है जो हमारे इस बॉर्डर को बनाने के लिए, इसे बॉर्डर को बनाने के लिए हमने लगाया है। और हम देखते हैं कि ये
कपड़ा है, कॉटन है, जो इस रोड को बनाने के लिए बनाया गया है, लगाया गया है। और हम देखते हैं ये, और हमें अगर रोड पर जैसे कुछ दिखाना है कि यहाँ की गाड़ियाँ कैसे चलती हैं स्मार्ट सिटी में कैसे, तो हमें एक छोटी गाड़ियाँ जैसे मिलती हैं कुछ दुकानों पर, ऐसी छोटी छोटी गाड़ियाँ मिलती हैं, तो उसका हम यूज़ कर सकते हैं। या और कुछ अन्य ऐसी चीज़ें मिल सकती हैं जो ये देख सकते हैं आप, ये ग्रीन ग्रास है जो आर्टिफिशियल है, जो बुक स्टोर पर भी अवेलेबल है, इसको हम ले सकते हैं। और यहाँ पर देखिए ये कुछ हमें लकड़ियों की भी ज़रूरत कुछ पड़ेगी, जैसा कि आप देख रहे हैं ये फैक्ट्री है, इसने इसको हमने लकड़ियों से बनाया है। और ये मोनो स्टेशन भी है, इसको भी हमने लकड़ी से बनाया है। बोलिए, आपको ये देखकर बहुत अच्छा लगा होगा कि हमने एक मॉडल तैयार किया है। आप भी अपने स्कूलों में ऐसे ऐसे मॉडल तैयार करिए जिससे कि आने वाले भविष्य के बच्चों को कुछ सीख मिल सके। और आप देखते रहिए ऐसे, और भी अन्य वीडियो आएंगे, बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए DKS फिजिक्स टेक, जो कि कुछ ऐसे वीडियो हैं और पढ़ाई से भी रिलेटेड कुछ ऐसी वीडियो हैं हमारे इस चैनल पर।